आओ हाथ बढ़ाए संस्था के द्वारा मुरादाबाद शहर में 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह का हल्दी मेहंदी कार्यक्रम आयोजित हुआ। संस्था की संस्थापिका सदस्य गीतांजलि पांडे ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम गरीब निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम उस रस्म को पूरा कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक वैवाहिक बंधन को मजबूत करने के लिए ये रस्में महत्वपूर्ण है। आज बुद्धि विहार के अंदर इन 11 लड़कियों को रीति रिवाज के साथ हल्दी लगाई गई, मेहंदी लगाई गई, ढोलक पर संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पधारे सभी मेहमान और नवाड़ों के परिजनों को भोजन आदि कराया गया। ये सामूहिक विवाह 30 नवंबर को होना है। इससे पहले की सभी रस्में पूरी की जा रही है। कार्यक्रम में पराग ह्यूमन फाउंडेशन ट्रस्ट की संस्थापिका गरिमा सिंह ने लड़कियों को हल्दी लगाकर कार्यक्रम का आगाज किया। संस्था के सदस्यों के द्वारा इन सभी लड़कियों को दहेज में सभी जरूरत के सामान दिए गए। इस कार्यक्रम के सफल संयोजन में गीतांजलि पांडे, राघव रस्तोगी, गीता सक्सेना, सोतेंद्र गुर्जर, नीलम अग्रवाल, सुगंध कपूर, शोभा रानी, सनी सेठी, स्वाति सिंगल, सुदेशना धारीवाल, मीनाक्षी शर्मा, वेद प्रकाश अरोड़ा, विकास अरोड़ा, सुमित सैनी, विनय अरोड़ा, कार्तिक हांडा, शौर्य अंशु, नैना अरोड़ा, सभी का विशेष योगदान रहा। आज आओ हाथ बढ़ाएं ट्रस्ट है हमारा, उसके अंतर्गत हम सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं और विवाह में जो लड़कियां भाग ले रही हैं उनके हल्दी और मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम है आज यहाँ पर। अब ये कार्यक्रम कब होना है आपका? ये अब अगले साल होना, हर साल हम कराते हैं। आप कौन सी डेट को कार्यक्रम? 30 तारीख को है ये कार्यक्रम। क्या उद्देश्य रहा पूरे कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि जिन लड़कियों के परिवार में कोई करने वाला नहीं है या आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला नहीं है, उन लड़कियों के लिए हम ये कार्यक्रम कराते हैं। गरिमा जी, क्या मानते हैं ऐसे कार्यक्रम होना कितना जरूरी है? शादी हर लड़की का सपना है, जरूरी नहीं है सपना उनके माँ बाप ही पूरा करें। ऐसे इस शहर में बहुत सारे माँ बाप हैं जो ऐसी लड़कियों को अडॉप्ट करके उनका ये सपना पूरा कर रहे हैं। ये ट्रस्ट के माध्यम से ऐसी लड़कियों का आज सपना पूरा हो रहा है। हल्दी मेहंदी की इस पुनीत प्रथा के साथ में इस सामूहिक विवाह का आज आगाज किया जा रहा है और 30 तारीख को पूरे बढ़ चढ़कर सभी रीति रिवाजों के साथ में सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा। शहर में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोग जो ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं अपील करूंगी कि वो आगे आएं और